वसूली हो रही है, सुविधाओं के नाम पर अवैध वसूली की जा रही है, उनसे पैसे वसूले जा रहे हैं, और आपको ये भी बता दें कि प्रसूताओं को किसी तरह की सुविधा भी नहीं मिलती। सीएचसी में बिस्तर तक नहीं दिया जाता, प्रसूताओं से 1500 रुपये वसूले जाते हैं। चंदौसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र के तस्वीरें हैं जो आप देख रहे हैं, तो यानी ये बहुत क्लियर है कि यहाँ पर अगर प्रसूता भर्ती हो रही हैं तो उन्हें 1500 रुपये घूस के देने होंगे, रिश्वत के देने होंगे, तब जाके उन्हें यहाँ एडमिट किया जाएगा, और उसके बाद उन्हें सुविधाएं भी नहीं दी जाती हैं। कह रही है कि 16 से 17 से मांग रही है। डॉक कौन मांग रही है? यही है, वही जलेबी करने वाली, दवाई लगाने वाली। अच्छा, 1700 तो वो 14 से ले गए। 1600 रुपए लिए? 14 से। अच्छा, 1400 रुपए। फिर उसके बाद में? और उसके बाद वो बताना था कितने रुपए लिए? 200 बताना। किस चीज के? उसके गए जन्म कुंडली के। अच्छा, नीचे बन रही है उनके पास में, और ये छुट्टी कराने को। सुनील राघव इस वक्त हमारे साथ फोन लाइन पे हैं। सुनील, किस बात के 1500 और 1600 रुपए वसूले जा रहे हैं प्रसूताओं से? मैं बताना चाहूंगा कि स्वास्थ्य विभाग का जनपद में बहुत बुरा हाल है। चाहे कितनी भी खबरें इधर से उधर वायरल हो, स्वास्थ्य विभाग अपनी हर दर्जा पर काबिज रहता है। यहाँ पर जैसा कि ये महिला द्वारा बताया जा रहा है कि प्रसूता महिलाओं को जब यहाँ भर्ती किया जाता है तो भर्ती करने की सुविधा शुल्क के नाम, सुविधाओं के नाम पर शुल्क लिया जाता है, जबकि योगी सरकार कहती है कि हम प्रसूता महिलाओं को 1400 रुपए उल्टा देते हैं, लेकिन यहाँ पर 1400 रुपए वसूली की जाती है, और सुविधाओं के नाम पर ना ओढ़ने के कपड़े ना बिछाने के कपड़े हैं, और उनसे नीचे कार्ड जो जन्म प्रमाण पत्र उसके बनाने के नाम पर भी 200 लिए जाते हैं। मतलब कुल मिलाकर के 1600 रुपए प्रति प्रसूता महिला से वसूला जाता है। जी, ये चंदौसी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र का मामला है। शुक्रिया सुनील इस जानकारी के लिए। यानी ये आम बात है, इस तरह की खबरें कई बार सामने आई है, उसके बाद भी यहाँ का स्वास्थ्य विभाग कोई संज्ञान नहीं लेता, यानी उनकी मिलीभगत है। सुनील राघव ने यह क्लियर कहा कि यहाँ की स्वास्थ्य व्यवस्थाएं पूरी तरह से चरमराई हुई हैं।